हेलो दोस्तों, कल का मॉर्निंग 9:30 से मैच है बांग्लादेश वर्सेस नेदरलैंड। ठीक है, तो मैं आपको प्लेइंग इलेवन मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आपका रह सकता है बांग्लादेश का शकीब उल हसन तो खेलेगा ही, मेहदी हसन मिराज खेलेगा, यासर अली, लिटन दास, एन हुसैन, मुस्तफिकुर, तो ज़्यादा कुछ चेंज होना है नहीं। तकसीर अहमद तो खेलेगा ही, नूर अहमद सरकार खेलेगा ही। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया है, तो शायद यहाँ से ये केमियो एच महमूद खेल सकता है, नंबर 10, और नंबर 11 शफी शरीफुल इस्लाम बॉलर। ठीक है, तो ये होना चाहिए मेरा अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैच टू मैच सबको नेदरलैंड टक्कर देते हुए मिलेगा, कल का मैच में बांग्लादेश वर्सेस नेदरलैंड का मैच पर टक्कर देते हुए मिलेगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, और नेदरलैंड का मैच, नेदरलैंड का जो प्लेइंग इलेवन होना चाहिए मेरा अकॉर्डिंग, तो ये नेदरलैंड का प्लेइंग इलेवन एडवर्ड खेलेगा। ये मान लीजिएगा, अगर आपका आईडी है, आईडी पे आपका ये 14 या 15 रन ओपन होता है, ठीक है, तो ये इसका देना बना देता है। ठीक है, अच्छा खेल जाता है, एम डॉट अच्छा खेल जाता है, ड्रिलिंग। ठीक है, कभी कल लंबा हिट चाहिए, मान लीजिए 6 बॉल पे 8 रन चाहिए, तो ये लगा लेता है। ठीक है, टॉम कूपर टॉप बैट्समैन है, पूरा नेदरलैंड टीम का एक अच्छा प्लेयर है ये। ठीक है, बिलेट ये भी एक अच्छा बैट्समैन है। ठीक है, अच्छा बैटिंग कर लेता है ये भी, बाकी ये तो आप जानते होंगे इसको। ठीक है, टॉम कूपर को भी आप जानते होंगे, अभी सिंह ओपनिंग करने आता है। ठीक है, इतना खास नहीं, अगर बॉलिंग अच्छा रहा तो ये झेल झेल के आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं इस टीम पे। ठीक है, लेकिन हाँ टक्कर दे सकता है। ठीक है, मतलब मुकाबला अच्छा होना चाहिए बांग्लादेश और नेदरलैंड। मैच टू मैच बांग्लादेश विन होगा, लेकिन मैच अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मेरा अकॉर्डिंग, और दूसरा मैच है जो उसको भी देख लेता हूँ मैं। ठीक है, टीमा बहुमा फॉर्म में नहीं है, आप मत लीजिएगा इसको। अगर ड्रीम इलेवन प्ले करते हैं तो डिको अच्छा खेलता है, इनका रन ओपन होते ही यस कीजिएगा। ठीक है, अच्छा खेल लेगा, और जिम्बाब्वे का बाद में बताऊंगा। चलिए, रिजा हेंड्रिक्स अच्छा फॉर्म से गुजर रहा है, ये हेनरिक एल्सन बीच में आता है। ठीक है, टॉप ऑर्डर टीम और टीम ऑफ बोमा का जो भी रन ओपन होगा इसको नोट कर देना, पैसा बन जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, मैच टू मैच पैसा बन जाएगा आपका, अगर ये 6 मैच में 5 मैच है शायद, हाँ 5 मैच में 5 मैच में 5ों मैच में अगर टीम ऑफ अगर प्ले करता है तो 5ों मैच में इसका रन नोट करना, पैसा बन जाएगा आपका। ठीक है, मकरम अच्छा है, ठीक है, अच्छा फॉर्म से गुजर रहा है, केशव महाराज मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आ जाता है, अच्छा से बैटिंग भी करता है। ठीक है, कभी कभी बीच में भी बैटिंग कैमियो दे देता है। ठीक है, उसके बाद ये डेविड मिलर, ठीक है, डेविड मिलर अच्छा फॉर्म से गुजर रहा है, कहीं से भी कुछ भी कर सकता है, मैच को घुमा सकता है। ठीक है, नोकिया इतना खास फॉर्म में नहीं है बॉलिंग पे। ठीक है, पांडेल अच्छा बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही कर लेता है, बड़ा बड़ा भी बॉलिंग बैटिंग दोनों ही कर लेता है, ये टॉप का स्पिनर रहने वाला है शमसी। ठीक है, और एम जेंसन, ठीक है, ये जेंसन का दो है। ठीक है, शायद दोनों ही भाई हो, मतलब भाई होना चाहिए। ठीक है, एक साउथ अफ्रीका से ऐसे T20 भी खेल रहा है। ठीक है, वो भी जेंसन, ये भी जेंसन है। ठीक है, और शायद एन जेंसन या टी जेंसन है शायद, ऐसे कुछ है, ये एम जेंशन है। ठीक है, रली रसो खेलेगा तो ठीक है, और ये तो आते ही बल्ला घुमाएगा अपना। ठीक है, स्टोरी तो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका ये मैच तो जीतेगा ही। ठीक है, आपको फैंसी का लिए, अगर आपको फैंसी प्ले करना है तो मेरे चैनल पे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा मेरे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, मैं वहाँ पे फैंसी देता हूँ। ठीक है, मतलब ओवरऑल आप निकल जाएंगे प्लस में। ठीक है, आपको और इस वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, और शेयर भी करना है, और ये जिम्बाब्वे का देख लेते हैं हम लोग, जिम्बाब्वे का सेव रेन, ठीक है, ये अच्छा बैटिंग कर लेता है ओपनिंग में। ठीक है, आते ही इनका रन आउट कीजिएगा, इनका भी कीजिए चका बाका। ठीक है, इवन अच्छा खेल लेता है। ठीक है, इनका टॉप का बॉलर देख लेता हूँ पहले। ठीक है, आपको तो आप लोग अगर कंटिन्यू मैच प्ले करते होंगे तो आपको टॉप का प्लेयर पता लग जाएगा। ठीक है, कौन सा है, ठीक है, कौन सा रहने वाला है। देखिए, सेम मीडियम स्पिन बॉल कर लेता अच्छा खासा, सिकंदर राजा भी बॉलिंग बैटिंग दोनों से ही रन बना रहा है। ठीक है,
मयूरवानी अच्छा बॉलिंग कर लेता है, ठीक है, लेफ्ट आर्म का अच्छा फर्स्ट बॉलर मिल गया है, शायद ये आईपीएल में भी चांस इनको मिल जाएगा, ठीक है सर, इतना याद नहीं है, अगर मिल भी गया है तो आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है, लेकिन मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है, इस बार आईपीएल का जो ऑक्शन होगा उस पर इसको चांस मिल जाएगा। ये भी टॉप का बॉलर है, ठीक है, अच्छा बॉलिंग कर लेता है, स्पिनर बॉलिंग में टॉप का स्पिनर आप मान सकते हो सिकंदर राजा को, ठीक है, सेम टू सेम अभी देख रहा था मैं लाइव टीवी पे, सुनील नारायण का कॉपी करके बॉल करता है, ठीक है, जैसे कि एग्जिट सुनील नारायण जैसे बॉल करता था इसी तरह से बॉल करता है, तो आप लोग इसको पिक कर सकते हो टीम 11 पे, ठीक है, टक्कर दे सकता है, ऐसा नहीं है, अंडरडॉग टीम है ये, ठीक है, क्योंकि सुपर 12 में आना इतना आसान नहीं होता, जिम्बाब्वे को हराना, ठीक है, उसके बाद शायद जिम्बाब्वे का ग्रुप में नहीं था, लेकिन अच्छा अच्छा टॉप का टीम को हरा कर ये आए हुए हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोग ड्रीम इलेवन बनाते होंगे तो आप लोग को ले लीजिएगा, ठीक है, सिकंदर राजा को रखिएगा और मैक्सिमम प्लेयर साउथ अफ्रीका से रखिएगा, बॉलिंग भी साउथ अफ्रीका से ही रखिएगा, ठीक है, यहाँ से सिकंदर राजा को ले लीजिएगा, विलियम्स को ले लीजिएगा, मजुरवानी को ले लीजिएगा, ठीक है, मशक्कत चा इसको ले लीजिएगा, उसके बाद और यहाँ से लेने लायक कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है, सुम्बा एक अच्छा बैटिंग कर लेता है लेकिन विश्वास नहीं है इसके ऊपर, ठीक है, इन लोगों का मेन प्लेयर हो गया की प्लेयर सिकंदर राजा, अगर सिकंदर राजा आउट हो जाता है 140 भी साउथ अफ्रीका टारगेट देता है तो साउथ अफ्रीका डिफेंड कर जाएगा, ठीक है, ऐसा टीम है इन लोग, तो आप लोग फैंसी अगर प्ले करते होंगे जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, मैं चैनल पे ऐड हो जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति फैंसी प्ले करना चाहता है, फैंसी में हर किसी का लॉस होता है, ठीक है, तो मेरे चैनल पर ऐड हो जाइएगा, मैं अपना बेस्ट देता हूँ चैनल पर, ठीक है, मिलता हूँ कल एक नया वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम पे मेरे चैनल पर।